आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीकेडी के बारे में, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। किसे कहते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज? पीकेडी इज एन इनहेरिटेड डिजीज दैट अफेक्ट द किडनी। ये क्या एक इनहेरिटेड डिजीज है जो किडनी को अफेक्ट करती है। इसके अंदर क्या होता है कि किडनी के ऊपर ग्रो हो जाते हैं सिस्ट, जो सेको फ्लूइड है वो ग्रो होने लग जाते हैं। हमने ऑलरेडी रीनल सिस्ट स्टडी कर रखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, इफ़ टू मैनी सिस्ट ग्रो और इफ़ दे गेट टू बिग, अगर बहुत ज़्यादा सिस्ट बन जाए, बहुत ज़्यादा सिस्ट ग्रो हो जाए और बहुत बड़े बड़े अगर सिस्ट किडनी पे बन जाए तो किडनी क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। ये सिस्ट अदर ऑर्गन को भी अफेक्ट करते हैं, जैसे कि लीवर है, पैनक्रियाज है, स्प्लीन एंड ओवेरी को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पीकेडी का कोज क्या हो सकता है। तो कोज क्या हो सकता है, प्रॉब्लम विद ए स्पेसिफिक जीन। अगर कोई जीन के अंदर प्रॉब्लम है तो पीकेडी कोज हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ पीकेडी। तो टाइप ऑफ पीकेडी के अंदर फर्स्ट है अपना ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज किसे कहते हैं, जो ADPKD है, किसे कहेंगे? द अडल्ट टाइप ऑफ PKD इज पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड बाई ए ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। इसके अंदर क्या होता है कि चाइल्ड पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर डिजीज ट्रांसफ़र होती है। अगर पेरेंट्स के अंदर कोई जीन प्रॉब्लम है तो वो चाइल्ड में होगी। इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट ओनली वन कॉपी ऑफ द अबनॉर्मल जीन नीडेड टू कोज द डिजीज। इसके अंदर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों पेरेंट्स के जीन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो। अगर दोनों में से, जो मदर एंड फादर है, दोनों में से एक का जीन अगर अबनॉर्मल है तो वो चाइल्ड के अंदर डिजीज कोज कर सकता है। और इसके अंदर चांस रहता है 50-50% डिजीज कोज होने का चांस रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोसोमल रिसीविंग पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। तो इसके अंदर क्या होता है, द लेस कॉमन फॉर्म ऑफ पीकेडी इज पास्ड बाय एन ऑटोसोमल रिसीव पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों, जो बोथ पेरेंट्स है, दोनों मदर एंड फादर है, दोनों के अंदर क्या होगा, कैरी द अबनॉर्मल जीन, मस्ट कैरी द अबनॉर्मल जीन, दोनों के अंदर अबनॉर्मल जीन होगा, एंड बोथ मस्ट पास द जीन टू द चाइल्ड। और दोनों का अबनॉर्मल जीन कहाँ पास हो जाएगा, चाइल्ड के अंदर पास होगा, ऑर्डर फॉर द चाइल्ड टू डेवलप ए डिजीज, और बच्चे के अंदर क्या हो जाएगी, डिजीज डेवलप हो जाएगी। तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, ADPKD के अंदर और ARPKD के अंदर डिफरेंस क्या है। ADPKD के अंदर क्या था, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के अंदर क्या था कि दोनों में से, दो पेरेंट जो मदर एंड फादर है, उनमें से एक के जीन में अगर कोई प्रॉब्लम थी और वो बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हो रही थी तो उसे क्या कह रहे थे, ADPKD। लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स के अंदर अबनॉर्मल जीन है और उनकी वजह से जो डिजीज है जो बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है तो उसे क्या कहते हैं अपन, ARPKD। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या देखने को मिलेंगे, अबडोमिनल पेन एंड टेंडरनेस, हेमेचूरिया, नोकचूरिया, फ्लैंक पेन वन और बोथ साइड, दोनों साइड में फ्लैंक पेन होगा या एक साइड होगा, ड्राउजीनेस, हाइपरटेंशन, जॉइंट पेन एंड इंक्रीज इन द साइज ऑफ द अबडोमन, और अबडोमन का साइज भी इंक्रीज देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम क्या क्या करवाएंगे, ब्लड एग्जामिनेशन, CBC, LFT लीवर फंक्शन टेस्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स, यूरिन एनालिसिस। इसके अलावा PKD एंड एसोसिएटेड सिस्ट ऑन द लीवर एंड अदर ऑर्गन मे बी डिटेक्टेड विद द फॉलोइंग टेस्ट। अगर जो PKD है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, वो लीवर में या अदर ऑर्गन में है तो हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, इमेजिनरी टेस्ट के द्वारा हम पता लगा सकते हैं, जैसे कि अबडोमिनल अल्ट्रासाउंड है, अबडोमिनल CT स्कैन और MRI के द्वारा भी पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट के अंदर क्या है
इसका कोई ट्रीटमेंट स्पेसिफिक नहीं है। अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट को। तो सबसे पहले पेशेंट को अगर बीपी इंक्रीज है, हाइपरटेंशन की कंडीशन है, तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एसी इनहिबिटर प्रोवाइड करेंगे, इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स, पेन को रिलीव करने के लिए एनाल्जेसिक प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं सिस्ट देट आर पेनफुल, इन्फेक्टेड, ब्लीडिंग और कोजिंग एन ऑब्स्ट्रक्शन मे बी नीडेड टू बी ड्रेन। मतलब अगर क्या है, जो सिस्ट है उस बहुत ज़्यादा पेनफुल है, इन्फेक्टेड हो गया है, ब्लीडिंग हो रही है और अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं, ड्रेन भी कर सकते हैं, मतलब जो फ्लूइड है उसको बाहर भी निकाल सकते हैं ड्रेन के द्वारा। नेक्स्ट है सर्जिकल रिमूवल ऑफ वन और बोथ किडनी में भी रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत है तो एक या दोनों किडनी नेफ्रेक्टमी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एंड स्टेज किडनी डिजीज में इंक्लूड डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अगर लास्ट स्टेज चल रही है, एंड स्टेज ऑफ किडनी डिजीज है, तो डायलिसिस भी कर सकते हैं पेशेंट को, अगर मतलब आगे की लाइफ के लिए डायलिसिस स्टार्ट कर सकते हैं और किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी इसका ऑप्शन रहता है। तो ये थी आज की आपकी डिजीज़ पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। सो थैंक यू गाइज़।